हेलो एवरीवन आई एम वासुदेव मोंगा एंड आई वेलकम यू टू स्टडी आई की जुडिशरी और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हिंदू सक्सेशन एक्ट की जो केस लॉ सीरीज आपकी चल रही है वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ केस जहां पे नाना जी किसी को प्रॉपर्टी देते हैं यानी कि आपके मेटरनल ग्रैंड अगर आपको प्रॉपर्टी देते हैं तो क्या आप उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ऑनर बन जाते हो या नहीं बन जाते अगर आप एब्सोल्यूट ऑनर उस प्रॉपर्टी के बन जाते हो इट मीन्स यू कैन डिस्पोज ऑफ योर प्रॉपर्टी द वे यू लाइक आप उस प्रॉपर्टी का जो मर्जी कर सकते हो आप उस प्रॉपर्टी को विल के थ्रू किसी और को दे सकते हो बट क्या आपको यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मिली है क्या आपके बच्चों का यानी कि आपके नाना जी ने आपको प्रॉपर्टी दी नाउ यूअर सन्स क्या इनका यहां पे इस प्रॉपर्टी में कोई हक होगा या नहीं होगा राइट right. तो आज हम इस केस को चर्चा करेंगे द केस नेम इज मोहम्मद हुसैन खान वर्सेस बाबू किशवानंदन सहाय नाइनटीन थर्टी सेवन प्रीवी काउंसिल जजमेंट ऑलमोस्ट नाइनटी 90 ईयर्स पुरानी जजमेंट है यहाँ पे ये प्रीवी काउंसिल के जजमेंट एंड एंड इट इज अ लॉ विच इज स्टिल एप्लीकेबल आज भी यही लॉ है हमारा ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट किस पे गवन करता है नेचर ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम द मेटरनल ग्रैंड फादर राइट तो पहले इस केस के फैक्ट्स में जाने के लिए फर्स्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी जो हमें अनसेस्टर से मिलती है अनसेस्टर्स से जो हमें जो प्रॉपर्टी मिलती है तो वो अनसेस्टर कौन से होते हैं जहां पे हमें जो प्रॉपर्टी मिलती है उसको हम सेपरेट प्रॉपर्टी बोलते हैं या फिर को पार्सनल प्रॉपर्टी बोलते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम अनसेस्टर्स अब आपके एनसेस्टर्स कोई भी हो सकते हैं इट कैन बी योर अब मेटरनल ग्रैंड फादर और योर पेटरल ग्रैंड फादर होते तो सारे इंसेस्टर्स ही है ना बट हिंदू मैरिज एक्ट में उसको एनसेस्टर्स को किसको बोला गया वी हैव टू सी दैट अशेंशियल फीचर ऑफ द अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द मिताक्षरा ला इज डैट ऑफ सनस ग्रैंड सन एंड द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ द परसन इनहेरिट्स एक्वायर एन इंटरेस्ट इन इट बाई बर्थ यहां पर क्या बात करें कि अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो आपके फादर से या उनके फादर से या फिर उनके फादर से जो आपको फादर की लाइन में मेल डिसेंडेंट में जो आपको प्रॉपर्टी मिल रही है बाय बर्थ राइट द मूवमेंट यू हैव टेकन द बर्थ जैसे ही आप पैदा हो गए आपका प्रॉपर्टी में वहां पे वो एक राइट right बन गया लेट्स से अगर यहां पे एक प्रॉपर्टी है और यहां पे आपके फादर और ग्रैंड फादर है और कोई भी नहीं है तो जब आप यहां पर पैदा हुए तो तभी के तभी वन बाय थर्ड राइट आपका उस प्रॉपर्टी में चला गया दिस इज वॉट अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज जिसको हम बोलते हैं को पार्सनरी प्रॉपर्टी राइट सो अंसेंशियल फीचर ऑफ द अन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो हमारी अन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है अकॉर्डिंग टू द मिताक्षरला इज दैट ऑफ द सन्स ग्रैंड सन एंड द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ द परसन इनहेरिट्स एक्वायर एन इंटरेस्ट इन इट बाई बर्थ बर्थ होते ही हमारा अन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी में यहाँ पे राइट बन जाता है नाउ अंडर द मिताक्षरा प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम एनी अदर पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन इनको छोड़ के इधर यूर रिक्वायरिंग फ्रॉम यूर फादर और फ्रॉम द ग्रेट ग्रेट फादर और फ्रॉम द ग्रैंड फादर और फ्रॉम द ग्रेट ग्रैंड फादर अगर आप इनसे प्रॉपर्टी ले रहे हो तो वो तो आपकी है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी बट इनके अलावा कहीं से भी अगर प्रॉपर्टी आ रही है कहीं से भी अन्सेस्टर से प्रॉपर्टी आ रही है तो उसको हम यहाँ पे कोपार्सनरी प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं वी कॉल इट एन प्रॉपर्टी विद द ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि यहां पे ये प्रॉपर्टी क्या है सेपरेट प्रॉपर्टी है और सेपरेट प्रॉपर्टी आगे जाने में ऑब्स्ट्रक्शन लगा देती है समझाता हूं कैसे सी सी अगर एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको यहाँ पे ग्रैंड ने आपको ये प्रॉपर्टी दी है एक प्रॉपर्टी है जो आपके ग्रैंडफादर के नाम पे है और ग्रैंडफादर के बाद वो कहां गई द मोमेंट योर फादर है बर्थ तो वो प्रॉपर्टी आपके फादर की हो गई ये प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं अनसेस्ट्रल कोपार्सनरी प्रॉपर्टी अंसेस्ट्रल कोपार्सनरी प्रॉपर्टी राइट एंड जब यहां पे द मूवमेंट यू हैव टेकन द बर्थ जैसे ही आपने बर्थ लिया आप भी यहां पे इस प्रॉपर्टी में आपका हो the, राइट हो जाता है द मूवमेंट यू हैव टेकन बर्थ यू आर द यू आर द वन होल्डर ऑफ दिस प्रॉपर्टी राइट बट यहां पर अगर आपके यहाँ पे फादर की लाइन पे अगर ये प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही है इनके अलावा कहीं से भी मिल रही है किन के अलावा फादर ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर अगर इनके अलावा आपको किसी से भी प्रॉपर्टी मिल रही है तो उसको हम यहाँ पे को पार्सनरी प्रॉपर्टी नहीं बोलते वी कॉल इट अ सेपरेट प्रॉपर्टी वी कॉल इट अ सेपरेट प्रॉपर्टी यानी कि अगर आपके नाना जी आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं अगर आपके नाना जी आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं नाना जी आपको कौन सी प्रॉपर्टी दे सकते हैं या तो अपना को का राइट जो उनके पास था या फिर अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी तो अब जो वो आपके पास वो प्रॉपर्टी जाएगी यू हैव दैट प्रॉपर्टी एज अ सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ यूर अगर आपके नाना जी ने आपको एक प्रॉपर्टी दिया तो आप उसके सेपरेट प्रॉपर्टी के ऑनर हो जाओगे यानी कि आपके जो बच्चे हैं अब अगर इस इंसान को मिस्टर ए को उसके नाना जी ने कोई प्रॉपर्टी दी है तो इस बंदे के पास प्रॉपर्टी कैसे आ गई एज अ सेपरेट प्रॉपर्टी एंड अ मूवमेंट इसका जब बच्चा होगा अगर इसका कोई बच्चा हुआ क्या इसका बी का इस प्रॉपर्टी में कोई हक होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट द अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दिस इज नॉट द को पार्सनरी प्रॉपर्टी ये सेपरेट प्रॉपर्टी है और सेपरेट प्रॉपर्टी में ओनली ए विल बी हैविंग द होल राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी इन एनी वे ही लाइक्स जैसे वो चाहे उस प्रॉपर्टी के साथ जैसे ही कर सकता है सी यहां पे क्या लिखा हमने द अंडर दिताक्षर ला प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम एनी अदर पर्सन अदर देन द फादर फादर एंड फादर फादर्स फादर्स इज एन ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज एंड अ पर्सन कैन नॉट एक्वायर एन इंटरेस्ट इन इट बाय बर्थ ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज का क्या मतलब है यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज इसलिए है जब ये बी पैदा हुआ तो उसको ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिल रही बाई बात क्योंकि, लगी हुई। क्यों है? क्योंकि ये एक है इसके पास। और यहां पे देखा था, जो यहां पे को थी, सन को कैसे मिल जाती है द मूवमेंट ही बर्थ जैसे ही पैदा हुआ इसका इस प्रॉपर्टी में आ जाएगा बिकॉज दिस इज अपार्सनरी प्रॉपर्टी यानी कि नो अबस्ट्रक्शन इन दिस प्रॉपर्टी तो कोपर्सनरी प्रॉपर्टी जब आगे डिवॉल्व होती है कहां पे कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है द मूवमेंट यू हैव टेकन द बर्थ आप उस प्रॉपर्टी में उसको आपको राइट right मिल जाएगा बट इन द केस ऑफ द सेपरेट प्रॉपर्टी आपके बच्चे के पास वो प्रॉपर्टी नहीं जाएगी बिकॉज इट इज योर सेपरेट प्रॉपर्टी द यू कैन डील विद दर प्रॉपर्टी इन एनी वे यू लाइक आपको बेचना आप बेच दीजिए आपको विल बना के किसी को प्रॉपर्टी देनी है किसी और को दे दीजिए आपको विल बना के अपने ही बेटे को प्रॉपर्टी देनी है आप वो भी कर सकते हो बट आपके बेटे का उस प्रॉपर्टी में तब तक कोई हक नहीं है समझ आ गया है हमारा जो लॉ अभी तक नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ दिस केस कि इस केस के एक्चुअली में फैक्ट्स क्या थे इन दिस केस वन गणेश प्रसाद इनहेरिटेड सर्टेन विलेज प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज मटरनल ग्रैंडफादर नाना जी ने पूरे विलेज की प्रॉपर्टी ही अपने यहाँ पे पोते को दे दी थी यानी कि नाना जी ने राइट right? तो अंडर अ विल एक विल के थ्रू यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दी थी अब नाना जी की सारी प्रॉपर्टी थी विल के हिसाब से गणेश प्रसाद को यह प्रॉपर्टी दे दी गई अब ये प्रॉपर्टी गणेश की कैसे होगी एज अ सेपरेट प्रॉपर्टी क्योंकि ये हमारा जो हमने लॉ समझा है उसमें क्या समझा है कि अगर फादर से या फिर ग्रैंडफादर से या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर से आपको प्रॉपर्टी नहीं आ रही है इट मींस दैट इज नॉट एन पार्सनरी प्रॉपर्टी और उसके अलावा कहीं से भी अगर प्रॉपर्टी आ रही है तो वो कौन सी होती है यानी किसाद के पास ही प्रॉपर्टी आई तो कौन सी हो गई सेपरेट प्रॉपर्टी बन गई नाउ अंडर विल मेड बाय द गणेश प्रॉपर्टी उसके पास आ चुकी थी अब यहां पर गणेश अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो मर्जी करे यहां पर गणेश प्रसाद ने एक विल लिखी डेट आफ्टर मी मेरे मरने के बाद मेरे बेटे की ये प्रॉपर्टी होगी फॉर अ लाइफ इंटरेस्ट एंड उसके बाद उसकी वाइफ की हो जाएगी लाइफ इंटरेस्ट क्या होता है कि आज अगर मैं मर गया ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे के पास चली जाएगी बट कब तक रहेगी फॉर द लाइफ इंटरेस्ट जब तक मेरा बेटा जिंदा है तभी तक उसकी प्रॉपर्टी है वो उसमें साथ में क्या लिख जाए एंड उसके बाद उसकी वाइफ की है यानी कि जो विडो होगी आपके बेटे की उसकी हो जाएगी प्रॉपर्टी एंड शी विल बी द एब्सोल्यूट ऑनर राइट सो ही मेड अ विल दैट अ गणेश प्रसाद दैट आफ्टर मी माय प्रॉपर्टी विल गो टू माय सन बिंदेरी बिंदेरशी प्रसाद फॉर हिज लाइफ एंड ऑन हिज डेथ इट वाज टू वेस्ट इन द विडो गिरीबाला और विडो के पास कैसे जाएगी प्रॉपर्टी एब्सोल्यूटली जाएगी शी विल बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी तो ये अभी तक हमारे केस के फैक्ट चल रहे हैं अब क्या हुआ सी यहां पे जब गणेश प्रसाद ने ये विल तो लिख दी गणेश प्रसाद ने विल तो लिख दी उसके बाद उसके बेटे के पास प्रॉपर्टी चली गई फॉर द लाइफ इंटरेस्ट अब जब लाइफ इंटरेस्ट के लिए वहां पे चली था प्रॉपर्टी तो ये जो उसका बेटा था उसका केस चल रहा था ही हैड टू गिव द मनी टू द क्रेडिटर्स अब क्रेडिटर्स बोल लो उसके भाई बोल लो किसी ना किसी को उसके पैसे देने थे और कोर्ट का यहाँ पे ऑर्डर आ गया कि इसकी प्रॉपर्टी को बेच दो फॉर द ऑप्शन सेल कर दीजिए इसकी प्रॉपर्टी को इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री फॉर मनी ऑपटे बाय अगेंस्ट बिंदेश्वरी प्रसाद द सेट प्रॉपर्टी वोल्ड इन द कोर्ट ऑप्शन कोर्ट में प्रॉपर्टी को भेज दिया गया अब यहां पर जो बंदा था उसका बेटा बिंदेश केस फाइल कर दिया फ्रॉड का कि यह जो ऑप्शन सेल हुई फ्रॉड सेल है दिस इज नॉट द वैलिड अब नाउ ड्यूरिंग दिस केस आपको यह समझना होगा डेट दिस पर्सन डाइड बिंदेशी प्रसाद भी पे मर गया और मेरे बेटे के बाद प्रॉपर्टी कहां जानी थी मेरी बेटे की वाइफ के पास जो उस टाइम पे विडो हो जाएगी शी विल बी द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल में क्या लिखा था विल में क्या लिखा था कि द आफ्टर मी द प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व टू माई सन फॉर द लाइफ इंटरेस्ट एंड आफ्टर इम टू हिज विडो फॉर लाइफ और द एब्सोल्यूट ओनरशिप राइट सो नाउ ड्यूरिंग दिस केस ये पूरा बंदा मर गया तो द तो प्रॉपर्टी यहां पे कंटेंशन विडो की क्या होती है विडो यहां पे बोलती है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है पैसे किससे लेने से आपने मेरे हस्बैंड से उसका तो यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है उसका तो लाइफ इंटरेस्ट था द मोवमेंट ही डाइड जैसे ही वो मर गया ये प्रॉपर्टी तो मेरी होगी आई एम द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी क्राइटर्स मेरी प्रॉपर्टी से पैसा कैसे ही ले सकते हैं और अगर यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में कोर्ट कोर्ट ने ऑक्शन सेल करवाई भी थी तो वो इनऑपरेटिव होनी चाहिए सो इट वॉज द कंटेंशन डेट द विडो आस्ट फॉर द लीव टू अमेंड द प्लेट ऑन द ग्राउंड एट विल मेड बाय हर फादर इन लॉ कि जो उसके फादर इन लॉ ने गणेश प्रसाद ने जो विल बनाई थी उसके बाद हर हजब गॉट द स्टेट ओनली फॉर हिज लाइफ जब तक वो जिंदे थे उनके बाद थी एंड दैट ऑन द लेटेस्ट डेथ उनके हसबैंड की डेथ के बाद द इंटरेस्ट केम टू एन एंड द डिज दिल इन फेवर बिकम ऑपरेटिव मेकिंग हर द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी क्योंकि जहाँ पे अब जो फादर इन लॉ थे जिन्होंने विल लिखी थी अब क्वेश्चन हमारे ऊपर यही आएगा कि जो विल लिखी थी क्या उसमें वो ये जो सेपरेट प्रॉपर्टी उनके पास थी वो किसी को भी डिवॉल्व कर सकते थे या नहीं कर सकते थे एक और कंटेंशन थी यहाँ पर विडो की डैट अकॉर्डिंगली शी प्रेयर दैट इवन इफ द सेड हैज हेल्प टू बी बाइंडिंग अपॉन हर हस्बैंड अगर ये जो ऑप्शन सेल हुई है वो मान भी लें कि अब उसके हस्बैंड के लिए बाइंडिंग होगी तो उसके ऊपर कैसे होगी जैसे ही वो मर गया वो उसके उस उस प्रॉपर्टी में उसका कोई हक ही नहीं रहा आई एम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट शुड बी डिक्लेयर टू बी इनिव एज अगेंस्ट हर ऑफ ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी अब यहां पे दूसरी पार्टी एक इशू लेके आए थे क्या वो बोलते हैं कि जब शुरू में इनके फादर इन लॉ ने विल बनाई थी ना वो विल ही सही नहीं थी हाउ कैन यू डिवॉल्व योर प्रॉपर्टी थ्रू अ विल अब आपको एक कंसेप्ट अच्छे समझना होगा सी यहां पे एक फादर है

तो इस बंदे की यह कंटेंशन है बट ये क्या बोल रहे हैं कि फादर ने यहां पे एक विल लिख दी थी और विल से उन्होंने क्या किया कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरे इस बेटे को जाऊंगी एंड उसके बाद वाइफ की हो जाएगी एब्सोल्यूटली तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या फादर ये विल में लिख सकते थे दैट ऑल माय प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व टू हिम क्या इस बंदे का प्रॉपर्टी में कोई हक था या नहीं था तो हमें क्या देखना होगा इसका हक क्यों होगा अगर वो कोई को-पार्टनरी प्रॉपर्टी होगी तो अगर तो वोस्टर को आपके फादर के पास आई है।, है तो फिर तो वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है फिर तो इसका भी बाय बर्थ राइट होगा बट अगर इसको पास यहाँ पे सेपरेट प्रॉपर्टी है तो वो कहीं पर भी उसको विल के साथ डिवॉल्व कर सकता है और उनके पास प्रॉपर्टी कहां से आई थी उनके नाना जी से और हमने क्या देखा दैट इफ़ यू आर गेटिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी वन एल्स देन योर फादर ग्रैंड फादर एंड द ग्रेट ग्रैंड फादर दैन दैट इज योर सेपरेट प्रॉपर्टी और अगर पास अगर आपके पास कोई सेपरेट प्रॉपर्टी है तो आप उसको विल के साथ किसी को भी डिगोल कर सकते हो आपके पास सेपरेट प्रॉपर्टी है मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ फिर से प्रॉपर्टी नंबर वन एंड प्रॉपर्टी नंबर टू ए के पास ये दो प्रॉपर्टीज हैं एक तो प्रॉपर्टी है सेपरेट प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी है ये कोपार्सनरी प्रॉपर्टी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी यानी कि मतलब आपके फादर ग्रैंड से आपको मिली है अब क्या हुआ यहाँ पे ए का जब बच्चा हुआ बी जैसे ही बी पैदा हुआ तो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में तो उसका भी राइट आ गया हाफ ऑफ हो जाएगी फादर और बेटे में बट यहां पे जब जो सेपरेट प्रॉपर्टी थी तो उसकी क्या उसमें उसका कोई हक गया नहीं गया बिकॉज सेपरेट प्रॉपर्टी को फादर यहां पे कैसे मर्जी डिवॉल्व कर सकता है अगर को पार्सनरी होती तो आपको वहां पे राइट मिल जाता बाय बर्थ बट सेपरेट प्रॉपर्टी में आपको बाय बर्थ कोई राइट नहीं मिलेगा आपके यहां पे फादर आपको वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं थ्रू इनहेरिटेंस या फिर विल बट अगर नहीं दिया देन यू कैन नॉट क्लेम तो इस केस में भी क्या हो रहा है अब ये जो दूसरा बच्चा था वो क्या बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी में, में मेरा हक होना चाहिए मेरे फादर की प्रॉपर्टी थी पर प्रॉपर्टी किसकी थी ऊपर से नाना जी ने दी थी और नाना जी ने प्रॉपर्टी दी थी तो मतलब फादर की प्रॉपर्टी वो सेपरेट प्रॉपर्टी थी और सेपरेट प्रॉपर्टी थी तो वो अपनी प्रॉपर्टी विल के साथ किसी को भी दे सकते थे तो इशू समझ आया आपको अब तो पूरा केस ही समझ आ गया होगा बट लेट्स सी द इश्यू इज द वैलिडिटी ऑफ द विल एग्जीक्यूटेड बाय द गणेश चैलेंज बाय द अपीलेंट ऑन द ग्राउंड एट द

डेट द अनसेस्ट्रल की जो वर्ड अनसेस्ट्रल युवा की यूज किया जाता है ना हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू सक्सेसन एक्ट में जो वर्ड अनसेस्ट्रल यूज किया जाता है नो no डाउट अगर हम ले मैन लैंग्वेज में देखें तो अनसेस्ट्रल वर्ड इज़ यूज फॉर द बोथ बट मटरनल ग्रैंड फादर्स एज वेल एज द पेटरनल ग्रैंड फादर्स दोनों के लिए बट अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें और हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करें तो द वर्ड अनसेस्ट्रल इज यूज ओनली फॉर द पेटरनल ग्रैंड फादर्स डाउन द लाइन जो आपके फादर आपके ग्रैंडफादर से जो आपको प्रॉपर्टी मिल रही है उसी को हम यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानते हैं सी बट दस्ट्रल अंडर द हिंदू लॉ अन एक्वायर ज्वाइंटली फादर इन एन एंड इंटरेस्ट बाय बर्थ मस्ट बी कन्फाइंड टू द प्रॉपर्टी डिसेंडिंग टू द फादर फ्रॉम his मेल अनसेस्टर इन द मेल लाइन और बहुत लोगों को लगेगा कि ऐसा क्यों सही तो है अगर एक बेटा है अगर हम मान ले कि पेटर्नल ग्रैंडफादर से भी उसको प्रॉपर्टी मिलेगी और मटर्नल ग्रैंडफादर से भी जो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी दोनों को पार्सनरी होंगी तो कितना मुश्किल कंसेप्ट हो जाएगा कि आपको नाना जी वाली प्रॉपर्टी है वो भी उसमें भी आप को पार्सनर हो और फादर ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी है आपकी दादाजी वाली उसमें भी आप को पार्सनर हो तो इस कंफ्यूजन में हमें नहीं चेता एंड दैट इज एक्चुअली नॉट राइट कि को पार्सनरी तो आप सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लाइन में होगी और वो आपके फादर की लाइन में होगी दैट इज अवर लॉ और जो अनसेस्टर वर्ड यूज किया जाता है हिंदू लॉ में दैट इज यूज ओनली फॉर द पैटर्नल लाइन पैटर्नल लाइन सी सो द कोर्ट फादर ऑब्जर्व दैट द प्राइमरी रीजन फॉर दिस इज दैट द हिंदू सोसाइटी वॉज अ पेट्रियार्चल इन नेचर विच मीन डेट फॉर मदर्स फादर जो आपके यहाँ पे नाना जी होंगे प्राइमरी हायर वुड बी हिस सन जो उनका हायर होगा ही प्रॉपर्टी बाय अ कोसनरी राइट एनहेंस एनी इनहेरिटेंस बाय द डॉटर वुड बी एन ऑब्सट्रक्टेड हेरिटेज ऑब्सट्रक्टेड हेरिटेज मतलब आपको यह प्रॉपर्टी एज अ सेपरेट प्रॉपर्टी मिलेगी और सेपरेट प्रॉपर्टी मिलेगी विच मीनस आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर हो आप जो मर्जी उस प्रॉपर्टी से कर सकते हो आपके बेटे का बाय बर्थ इस प्रॉपर्टी में कोई भी हक नहीं होगा समझ आ रही है यहाँ तक बात तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक बात पूरी सब फिर से समझ लो एक तो होती है आपकी को-पार्सनरी प्रॉपर्टी को-पार्सनरी प्रॉपर्टी विच इज़ गिवन टू यू बाय द फादर और द ग्रैंड फादर मेल डिसेंडेंट लाइन में और एक होती है यहाँ पे आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी अब यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि पेट्रियॉर्चल नेचर में इंडियन इंडियन सोसाइटी में ऐसा ही चलता है कि अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सिर्फ फादर लाइन में देखी जाएगी क्यों देखी जाएगी एक एग्जाम्पल लो कि यहाँ पे एक बेटा है और यहाँ पे हिज फादर एंड हिज फादर राइट तो इसकी मदर ये इसकी मदर है और उसके फादर ये होगी उसके नाना जी और ये होगी उसके दादाजी दोनों के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है दोनों के पास कोई अगर प्रॉपर्टी है तो ये बंदा दो प्रॉपर्टीज में को पार्टनर बन जाएगा तो इनके पास जो इनका आगे बेटा होगा क्या वो को-पार्टनर नहीं होगा इट मीन्स आपकी जो को-पार्टनरी का राइट हो जाएगा वो डबल हो जाएगा दादाजी की प्रॉपर्टी में भी और इधर ग्रैंड मदर वाली प्रॉपर्टी में भी दैट इज नॉट राइट आप को पार्टनर एक ही प्रॉपर्टी में रह सकते हो एंड दैट इज द पेटर्नल ग्रैंडफादर्स प्रॉपर्टी

और इस केस में भी क्या हुआ था कि जो यहां पे प्रॉपर्टी मिली थी नाना जी से मिली थी तो आपके पास प्रॉपर्टी एंड नाउ जब ड्यूरिंग द केस उनके बेटे की डेथ हो चुकी है बेटे की डेथ हो चुकी है तो विल तो ऑपरेट होगी ना विल के अकॉर्डिंगली अब जो विडो है उसकी बेटे की जो विडो है प्रॉपर्टी तो यहां पे शी इज द द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी तो जो कोर्ट में जो ऑक्शन सेल हुई थी इट विल नॉट बी ऑपरेटिव क्यों नहीं होगी ऑपरेटिव क्योंकि उसके जो हस्बैंड थी उनकी डेथ हो चुकी और उनका इंटरेस्ट था ओनली फॉर द लाइफ इंटरेस्ट एंड एज पर द विल और क्या विल सही थी बिल्कुल सही थी क्योंकि उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी थी और सेपरेट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं सो दैट विल इज ऑपरेटिव एंड ओनली द डॉटर इन लॉ वुड बी हैविंग द Uh, absolute charge of the property and she can deal with the property in any way she likes so the Ganesh Prasad consequently had full power of disposal over the estate and the device made by him in favor of his daughter-in-law could not be challenged by his son or any other person so on the death of her husband husband the device in her favor came into operation device here will जो विल थी उस, आ, उसके ऑपरेशन में आ गई एंड शी बिकेम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एट द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हर हस्बैंड कैन कुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट हर टाइटल उसके टाइटल को यहाँ पे वो अफेक्ट नहीं करेगा सो so, यहाँ पे हमारा जो लॉ पॉइंट है जो हमने अंडरस्टैंड किया वो मेन डिसीजन क्या है कि मेटरनल ग्रैंडफादर से जो प्रॉपर्टी आती है उसकी आप सेपरेट प्रॉपर्टी होती है एंड यू आर द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड इफ़ यू आर द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी यू कैन यूज योर प्रॉपर्टी इन एनी वे यू लाइक आपके बेटे आपको वहां पर रोक नहीं सकते इस केस में क्या हुआ जब यहाँ पर दूसरा बेटा बोल रहा है कि इसमें मेरा भी हक होना चाहिए था क्योंकि ये कोपर्सनरी प्रॉपर्टी है बट वो कोपर्सनरी प्रॉपर्टी थी नहीं वो उसके फादर को उसके नाना जी ने दी थी और जब नाना जी ने दी थी तो मतलब वो प्रॉपर्टी उनके पास एज अ सेपरेट प्रॉपर्टी थी तो वो विल के कि अकॉर्डिंगली किसी को भी वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व कर सकते थे दिस इज योर फाइनल लॉ पॉइंट दैट द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम द मेटरनल ग्रैंड फादर कैन नॉट बी सेट टू बी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिकॉज एनसेस्ट्रल वर्ड जो हिंदू एक्ट में यूज किया जाता है वो पेटरनल ग्रैंडफादर्स के लिए यूज किया जाता है राइट द एनसेस्ट्रल स्टेट इज विच अंडर द हिंदू लॉ अ सन एक्वायर्स ज्वाइंटली फादर एंड इंटरेस्ट बाय बर्थ मस्ट बी कन्फाइंड टू द प्रॉपर्टी डिसेंडेड टू द फादर फ्रॉम इज मेल अनसेस्टर इन द मेल नाइन आई होप आपको पूरा केस, केस पे समझ आ चुका होगा एंड इन अनदर जजमेंट वी आर गोइंग टू सी कि अगर एक को पार्सनरी प्रॉपर्टी में है तो उसमें आप पार्टीशन कब कब ले सकते हो और कौन कौन उसमें पार्टीशन ले सकते हैं ये हमारा नेक्स्ट लॉ रहेगा नेक्स्ट केस लॉ रहेगा सो आई होप आपको ये आज का जो हमारा केस था आप अच्छे समझ आ चुका है दिस इज एक्चुअली लॉ सौ साल पुराना ये केस है अभी तक यही हमारा लॉ चल रहा है कि जो अगर हम नाना जी से कोई प्रॉपर्टी आते हैं देन यू आर द सेपरेट प्रॉपर्टी होल्डर ऑफ दैट प्रॉपर्टी आपकी वो सेपरेट प्रॉपर्टी होगी एंड यू आर द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी राइट एंड नाउ आई शुड टेल यू यहां कि स्टडी आई क्यू जुडिशरी आपके लिए दो तरह के कोर्सेज लेके आता है एक तो है हमारा जुडिशरी का महापैक एंड दूसरा आई हमारे पास स्मार्ट कोर्स इन महापैक वी कवर द सिलेबस ऑफ द सिक्सटीन स्टेट्स मेजर लॉस माइनर लॉस एज वेल एज लोकल लॉस इंक्लूडिंग जीके एंड द कर एंड यू कैन कवर दिस सिलेबस ओनली इन फोर्टीन थाउजेंड ट्रिपल नाइन बाई यूजिंग द डिस्काउंट को डीईवी जब आप स्टडी आई क्योंकि वेबसाइट पर जाएंगे आप ये कोर्स बाय करेंगे आपको डिस्काउंट कूपन मिलेगा आप वहाँ पर कोर्ड लगाए डीईवी देव एंड यू कैन बाय दिस कोर्स ओनली इन फोर्टीन थाउजेंड ट्रिपल नाइन बट इफ यू आर फोकसिंग ऑन एनी वन स्टेट अगर आप एक ही स्टेट की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन बाय द स्मार्ट कोर्स ऑफ टेन थाउजेंड फोर डबल नाइन